नमस्कार, हिमनेशन टीवी में आपका स्वागत है। ब्लॉक इंदौरा में स्वरोजगार हेतु माताओं बहनों बेटियों के लिए SHG के संयुक्त गृहिणी स्वयं स्वरोजगार संघ के CEO मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधुनिक मशीनों से लघु घरेलू उद्योग लगाएगा, जिसमें थैलों की छिपाई कर थैलों के निर्माण किया जाएगा और जो माताएं बहनें बेटियां कढ़ाई सिलाई जानती हैं वह अपने घर का काम काज निपटा कर अपने घर में ही पार्ट टाइम थैलों का निर्माण कर अपनी आजीविका कमा सकेंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो लोग घर वापसी कर चुके हैं उनके लिए भी ये स्वरोजगार का मिशन वर्धन कार्य सिद्ध होगा। नमस्कार, मैं ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। जैसा कि आज हमारी ब्रांच से श्री अशोक पठानिया जी को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 8 लाख की लोन स्वीकृत हुई है। इनका जो स्वावलंबन का लोन स्वीकृत है, इसमें इन्होंने मल्हाड़ी में कपड़े के थैले बनाने के लिए एक मशीन परचेस की है। उसके अंतर्गत ये थैले का निर्माण करके पूरे इंदौरा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिनका सप्लाई करेंगे। जैसा कि पठानिया जी हमारी शाखा से पिछले 1.5 साल से जुड़े हैं, ये समाज सेवा में भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जैसा कि गृहिणी सेल्फ हेल्प ग्रुप इनका जो जिनके ये CEO हैं उसमें भी इन्होंने पहले भी थैले का काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि पठानिया जी का जो ये लोन स्वीकृत हुआ है उसमें ये इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा प्रगति करें और भविष्य में लोगों को अधिक से अधिक इससे जोड़कर लोगों की भी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं CEO गृहिणी स्वयं रोजगार संघ अशोक कुमार पठानिया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल सरकार का, DIC कांगड़ा का और सेंट्रल बैंक इंदौरा का, जिन्होंने आज क्या नाम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत लाभ देकर हमें जे अपना DD ड्राफ्ट दिया है 9 लाख रुपए का। तो हम इससे जो हमारी माताएं बहनें बेटियां जो कि कपड़े के थैले सीती हैं और छोटे छोटे स्वरोजगार करती हैं उनको शक्ति मिलेगी। इस समय हमें लगभग 1.5 साल हो गए जे काम स्टार्ट किए हुए, तो अब हमें आधुनिक मशीनों की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने ये योजना के तहत DIC कांगड़ा में पढ़ाई किया था और सेंट्रल बैंक का ने बहुत सहयोग किया है और DIC वालों ने भी बहुत सहयोग किया है। तो मैं कितना कि क्या बोलूँगी आज माताओं बहनों बेटियों को कि मैं रे मेरे आगे ना तो कोई बेटी है ना ही कोई बहन है, तो मैं उनको एक जे एक किस्म का उपहार हो गया कि हम लोग मेहनत करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मैं रोजगारों के उपलक्ष्य ही ये कार्य कर रहा हूँ, तो यही होगा कि जल्दी से जल्दी हम जो भी अनुदान ऋण लिया है इसे क्लियर करें और इसके बाद हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, तो यही मेरी संभावना होगी कि